हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बजाज पल्सर 180F या फिर 220F लेने का सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप कौन सी बाइक खरीदें, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इन दोनों बाइक्स का डिफरेंस के बारे में बात करेंगे और किसके लिए कौन सी बाइक सही रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राइस की बात करें तो इन दोनों बाइक्स के जो प्राइस का डिफरेंस है, अगर आप BS6 मॉडल का देखेंगे तो अभी जो प्राइस का डिफरेंस है वो 10,000 रुपये, तो पल्सर 220F का जो प्राइस है वो ₹1.21 लाख है एक शोरूम दिल्ली, और पल्सर 180F का जो प्राइस है वो ₹1.11 लाख एक शोरूम दिल्ली है। इन दोनों बाइक्स के डिफरेंस की बात करें तो डिज़ाइन वाइज इन दोनों बाइक्स में बहुत ही कम डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। 220F पल्सर का पुराना मॉडल है और बहुत ही टाइम से बिकता हुआ रहा था, इसका जो डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, इसी की वजह से आपको 180F में भी ये डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है। और 180F का जो मॉडल है वो लगभग 1.5 साल पहले ही आया है, तो ये अभी थोड़ी नई बाइक है। 220F ने अपना मार्केट बना रखा है। अगर डिज़ाइन वाइज देखें तो इन दोनों बाइक्स में बहुत ही कम डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, जो भी डिफरेंस है वो इनके स्टिकरिंग या फिर पेंट स्कीम में है। 180F एक टाइप से नियॉन वेरिएंट में आता है और 220F एक नॉर्मल पेंट स्कीम में आता है। सबसे मेजर डिफरेंस इन दोनों बाइक्स में ये देखने के लिए मिलता है कि 220F में जो एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बल्की है, क्योंकि ये थोड़ी हाई परफॉर्मिंग बाइक है, जबकि 180F का जो एग्जॉस्ट है वो 150cc की पल्सर से लिया गया है, तो ये थोड़ा सा जो 180F का जो लुक है उसको थोड़ा सा डाउन करता है पीछे की तरफ से। दूसरा जो डिफरेंस 220F PS6 और 180F नियॉन में देखने के लिए मिलता है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है काफ़ी अलग है। वैसे दिखने में ये इंस्ट्रूमेंट पैनल सेम ही लगता है, लेकिन 220F में आपको बेटर फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एयर फिल्टर चोक का सिंबल मिल जाता है, लो इंजन ऑयल लेवल का इंडिकेटर मिल जाता है, हाई इंजन टेम्परेचर का इंडिकेटर मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो यही सब इन दोनों बाइक्स के मेजर डिज़ाइन चेंजेस हैं, बाकी ये बाइक एक्सेप्ट इंजन पूरी आइडेंटिकल है। इसमें जो सस्पेंशन है वो भी आइडेंटिकल है, ब्रेक्स आइडेंटिकल है, टायर्स भी आइडेंटिकल है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी सेम है। और लाइट्स की बात करें तो दोनों बाइक्स में आपको आगे हैलोजन मिल जाती है और पीछे LED टेल लाइट मिल जाती है। डायमेंशंस भी इन दोनों बाइक्स के लगभग बराबर ही हैं, थोड़ा सा जो है वेट का डिफरेंस है। बजाज पल्सर 220F थोड़ी हैवी है, इसका जो वेट 160 kg का है, जबकि 180F का जो वेट है वो 156 kg का है, तो थोड़ी सी हल्की है 180F। दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट में और बैक में डिस्क मिल जाता है, फ्रंट का जो डिस्क है 280mm का है और जो पीछे का डिस्क है वो 230mm का है। दोनों ही बाइक्स में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। 220F में BS6 वेरिएंट में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डुअल चैनल ABS आएगा, लेकिन इसमें अभी भी सिंगल चैनल ABS है, तो दोनों बाइक्स की जो ब्रेकिंग है वो एकदम आइडेंटिकल है। चलिए अब बात करते हैं दोनों बाइक्स का जो मेजर डिफरेंस है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको इंजन का जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा दिखता है। बजाज पल्सर 180F BS6 का जो इंजन है वो एक DTSI इंजन है। ये जो इंजन है ये एयर कूल्ड इंजन है। इसकी जो पावर है वो 17.02 PS की है और मैक्सिमम टॉर्क है 14.52 न्यूटन मीटर्स का। इस बाइक में आपको 5-स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है। वहीं पल्सर 220F BS6 की बात करें तो इसमें आपको 220cc का DTSI इंजन मिलता है। ये ऑयल कूल्ड इंजन है और इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 20.4 PS की है और मैक्सिमम टॉर्क 18.55 न्यूटन मीटर्स का है। इस बाइक में भी आपको 5-स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है। दोनों ही बाइक्स आपको BS6 कंप्लायंट मिलती है और इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इसी की वजह से जो पॉल्यूशन का लेवल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और माइलेज थोड़ा सा बेहतर मिलता है। तो जैसा कि आपने देखा कि बजाज पल्सर 220F का जो इंजन है वो काफ़ी पावरफुल है कंपेयर टू पल्सर 180F, इसीलिए इस बाइक का जो इनिशियल पिकअप है और टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहता है। बट इसका एक ड्रॉबैक है कि इसका जो माइलेज है वो थोड़ा सा कम है कंपेयर टू 180F। पल्सर 220F का जो माइलेज है वो अराउंड 35-40 kmpl का है, जबकि 180F का जो माइलेज है वो आराम से आपको 40-45 kmpl मिल जाएगा। इसके बाद टॉप स्पीड की बात करें तो बजाज पल्सर 180F PS6 की जो टॉप स्पीड आती है वो अराउंड 120-125 km/h की आती है, जबकि 220F में आपको थोड़ी अच्छी टॉप स्पीड मिलती है, 130-135 km/h की टॉप स्पीड मिल जाती है इसमें। तो यही जो इंजन का डिफरेंस है, यही डिफरेंस इन दोनों बाइक्स में एक मेजर डिफरेंस है। बाकी राइडिंग वाइज, स्टेबिलिटी वाइज, पिलियन कंफर्ट वाइज ये दोनों बाइक्स एकदम आइडेंटिकल है। इसमें जो आपको स्टेबिलिटी मिलती है वो एकदम आइडेंटिकल है, क्योंकि इसके जो टायर का विड्थ है वो भी सेम है।
और प्राइस डिफरेंस की बात करोगे तो दोनों बाइक्स का जो प्राइस डिफरेंस है वो सिर्फ 10,000 रुपये है। तो मेरे हिसाब से तो आपको 220F लेना चाहिए, क्योंकि दोनों बाइक्स का जो माइलेज है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। 5 से 7 किलोमीटर पर लीटर का जो है आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, लेकिन आप ज़्यादा माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप 180F की तरफ जा सकते हैं। वहीं आपको अगर टॉप एंड परफॉर्मेंस और थोड़ा सा इनिशियल पिकअप बेटर चाहिए तो आप 220F BS6 की तरफ जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही, थैंक यू गाइज़।